आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, लेकिन मैच से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीसीसीआई सेक्रेटरी ने वेबसाइट के जरिए बताया कि रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा और अजिंक्य रहाणे चोट की वजह से इस मैच का हिस्सा नहीं रह पाएंगे। टीम इंडिया के फैंस के लिए ये बेहद चौंकाने वाली खबर भी हो सकती है। दरअसल ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को पहले टेस्ट मैच के दौरान दाएं हाथ के बाह में चोट लग गई थी, लेकिन मेडिकल चेकअप के दौरान उनके हाथ में सूजन नजर आई, जिसके बाद उन्हें आराम करने के लिए कह दिया गया। वहीं तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को भी टेस्ट के पांचवे दिन के दौरान उनके दाएं हाथ की छोटी उंगली सरक गई, जिसके बाद से उनका इलाज जारी है। और अजिंक्य रहाणे बाएं हैमस्ट्रिंग की चोट से परेशानी में है। इन सभी वजहों को देखते हुए अब की बार ये खिलाड़ी आज के दूसरे टेस्ट में प्रदर्शन नहीं दिखा पाएंगे। अब जानिए कि इन खिलाड़ियों के स्थान पर कौन से खिलाड़ियों को इन मैच के लिए चुना जा सकता है। ईशांत शर्मा की जगह मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा की जगह प्रसिद्ध कृष्णा और रहाणे की जगह सूर्य कुमार यादव को इस मैच में मौका दिया जा सकता है। और अब चर्चा करते हैं आज के मैच के लिए टीम इंडिया की तरफ से खेलने वाले 11 संभावित खिलाड़ियों के नाम पर। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रिद्धिमान साह, रविचंद्र अश्विन, उमेश यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज। और अब एक नजर न्यूजीलैंड की टीम के लिए 11 संभावित खिलाड़ियों पर। केन विलियमसन, टॉम लॉथम, काइल जेमिसन, विल यंग, रॉस टेलर, हेनरी निकोलस, टॉम ब्लैंडेल, सचिन रविंद, एजाज पटेल, टीम सऊदी, विलियम सोमरविले। स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बनी रहें द वोकल न्यूज हिंदी के साथ।